नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है सर्ज अरेस्टर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। व्हाट इज सर्ज अरेस्टर? सर्ज अरेस्टर क्या है? सर्ज अरेस्टर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि ओवर वोल्टेज सर्ज से सबस्टेशन इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो क्या सर्ज अरेस्टर सर्ज वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर लेता है? तो ऐसा नहीं है, सर्ज अरेस्टर सर्ज वोल्टेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि उसे अर्थ में डाइवर्ट कर देता है और इस तरह से वो सबस्टेशन इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। सर्ज अरेस्टर कहाँ लगे होते हैं? जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन किसी सब स्टेशन में इंटर करता है तो सबसे पहला इक्विपमेंट सर्ज अरेस्टर ही होता है, ताकि वो बाकी इक्विपमेंट को लाइन के सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशन में इंटर किया है और पहला इक्विपमेंट ये सर्ज अरेस्टर है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है और इंडिविजुअल फेज के लिए अलग अलग सर्ज अरेस्टर लगाए गए हैं। मतलब हर फेज में एक सर्ज अरेस्टर होता है। सबस्टेशन इक्विपमेंट में जो मेजर या कॉस्टली इक्विपमेंट होता है जैसे कि ट्रांसफार्मर और रिएक्टर, उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से सर्ज अरेस्टर लगाए जाते हैं। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये सबस्टेशन का मेजर इक्विपमेंट है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अलग से सर्ज अरेस्टर लगाए गए हैं। उसी तरह रिएक्टर भी काफ़ी कॉस्टली और सबस्टेशन का एक मेजर इक्विपमेंट है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी अलग से सर्ज अरेस्टर लगाए गए हैं। सर्ज अरेस्टर हम क्यों यूज करते हैं? तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत सारे ओवर वोल्टेज सर्जेज आते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंसुलेशन खराब हो जाता है, क्योंकि इंसुलेशन का लाइफ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और इस तरह से ओवर वोल्टेज सर्ज के कारण हमारा इक्विपमेंट खराब हो सकता है। सर्ज अरेस्टर एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में तीन तरह के ओवर वोल्टेज आते हैं, टेम्पोरारी ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। सर्ज अरेस्टर कैसे काम करता है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सर्ज अरेस्टर मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ब्लॉक के बने होते हैं और ये वोल्टेज कंट्रोल स्विच की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जब इसके अक्रॉस में नॉर्मल लाइन वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज रहता है तो यह एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे इसके अक्रॉस में रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा या सर्ज वोल्टेज आता है तो ये कंडक्ट करते हुए उस सर्ज वोल्टेज को अर्थ में डाइवर्ट कर देता है। ये मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ब्लॉक हाईली नॉन लीनियर होते हैं। जैसे इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होके नॉर्मल लाइन वोल्टेज हो जाता है तो यह फिर से कंडक्ट करना बंद कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में जब ट्रांसमिशन लाइन में नॉर्मल रेटेड वोल्टेज रहता है तो उस समय सर्ज अरेस्टर कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे सबस्टेशन में इंटर किया है और ये सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है और ये हमारा स्विच यार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे लाइन में नॉर्मल वोल्टेज है तो सर्ज अरेस्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। पर जैसे ही हमारा लाइन में सर्ज वोल्टेज आएगा तो यह सर्ज अरेस्टर कंडक्ट करते हुए उस सर्ज वोल्टेज को अर्थ में डाइवर्ट कर देगा और ये सर्ज वोल्टेज हमारे सबस्टेशन में स्विच यार्ड में इंटर नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सर्ज अरेस्टर का रेटिंग क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअल फेज में अलग अलग सर्ज अरेस्टर लगाए होते हैं, यानी सर्ज अरेस्टर का रेटिंग सिंगल फेज का होता है। तो उस प्रकार से 765 केवी फेज टू फेज सिस्टम के लिए एक सर्ज अरेस्टर का रेटिंग 624 केवी होता है। उसी तरह 400 केवी फेज टू फेज सिस्टम के लिए एक सर्ज अरेस्टर का रेटिंग 336 केवी होता है।
220 केवी फेस टू फेस सिस्टम के लिए एक सर्ज अरेस्टर का रेटिंग 198 केवी होता है। 132 केवी सिस्टम के लिए एक सर्ज अरेस्टर का रेटिंग 120 केवी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।